कोई तो रोक लो गदर टू के तूफान को। यानी कि दोस्तों, जब से इंडस्ट्री में आई है तब से तहलका तबाही हर कुछ करती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों, आज है संडे का दिन, और दोस्तों आज इंडस्ट्री में 81 दिन कंप्लीट कर रही है गदर टू। जी हाँ दोस्तों, 81 दिन कंप्लीट कर रही है दोस्तों। 11 अगस्त से लगातार कमाई पर कमाई पर कमाई करती हुई दिख रही है गदर टू। सनी फाजी, हमेशा पढ़े उत्कर्ष शर्मा की फिल्म इतनी ज्यादा कमाई कर लेगी, खुद सनी देओल भी नहीं सोचे थे। यानी कि दोस्तों, बॉक्स ऑफिस को बिल्कुल चीर के रख दिया सनी देओल की फिल्म गदर टू। तो दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पे आज एक आसमा दिन चल रही है। दोस्तों, आज क्या आसमा दिन कर रही है इंडस्ट्री में, वो भी सब कुछ बताऊंगा। तो दोस्तों, मात्र इसका बजट का बात करूं तो दोस्तों, 80 करोड़ की बजट की फिल्म 81 दिन तक थिएटर में लग जाएगी, ये दोस्तों बिल्कुल कोई नहीं सोचा था। यानी कि दोस्तों, अभी भी बड़े बड़े शहरों में, जैसे कि दोस्तों दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और भी बड़े बड़े शहरों में कुछ जगह लगे हुई है थिएटर में। यानी कि दोस्तों, 100 चल रही है, 100 का कलेक्शन फाइनल आ रहा है। ऐसा बात नहीं है कि दोस्तों पूरी तरह से गायब हो चुकी है गदर टू। तो दोस्तों, अभी भी चल रही है थिएटरों में। तो दोस्तों, कुछ जगह ऐसी चल रही है और कुछ जगह का कलेक्शन आज बात करूं तो दोस्तों, उस जगह से निकल के आएगी, टोटल कलेक्शन क्या होगी सब कुछ बताऊंगा। तो दोस्तों, अपने 81 दिन तक दोस्तों कंप्लीट हो चुका है, 528 करोड़ लाइफ टाइम कलेक्शन आ चुका है। दोस्तों, अपने 81 दिन का कलेक्शन का बात करूं तो दोस्तों, बॉलीवुड के सोर्स बता रहे हैं कि आज भी 2 लाख का कलेक्शन करते हुए दिखेगा सनी पाजी, हमेशा पटेल, उत्कर्ष शर्मा की फिल्म गदर टू। यानी कि दोस्तों, आज भी बॉक्स ऑफिस पे पूरी तरह से फटेगी सभी का। तो दोस्तों, ये थी लेटेस्ट न्यूज। आपको कैसा लगा गदर टू से रिलेटिव, कमेंट में जरूर बता दें। और इसी तरह लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल समोसा क्रिटिक्स को जरूर सब्सक्राइब कर लें।